यह तस्वीर है थाना खानपुर क्षेत्र की है, जहां बाइक सवार की हल्की सी टक्कर लगने पर बाइक सवार को छुरे से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल खानपुर निवासी 21 वर्षीय आरजू बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था कि अचानक बाइक रास्ते से गुजर रहे कासिफ नाम के शख्स से टकरा गई। हालांकि हल्की सी खरोंच कासिफ को आई, जिससे दोनों में मामूली कहासुनी होने लगी और हल्की सी कहासुनी ने विकराल रूप ले लिया। गुस्साए कासिफ ने पास में ही मीट विक्रेता की दुकान पर रखे छुरे से आरजू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। आरोप है कि छुरे से गोद कर आरजू की हत्या कर हत्यारोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। खानपुर से खबर तहकीकात के लिए चंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ये सर फरहान। कौन से गांव के रहने वाले? अमरपुर। क्या मामला हुआ था यहाँ पे? एक लड़का यहाँ पर स्कूटी लेकर आया बच्चों को चीज दिलाने, तो यहाँ मुर्गे वाले की दुकान थी, तो बराबर में से एक लड़का आया और यहाँ से छुरी ली, उसके पहली छुरी हमारी और दूसरी हमारी। फिर जैसे कि आप लोग देख रहे, तो आप लोगों ने बचाने का प्रयास करा नहीं? सर हम बहुत भागे वहाँ से, लेकिन वो भाग गया, छुरियाँ मारते ही इतनी जल्दी काम कर दिया एक सेकंड के अंदर। किसका लड़का था? वो अथरमिया खान का भतीजा था, आसिफ खान का लड़का था। कहाँ रहता है? यहीं पे सामने रहता, 100 गज की दूरी पे। क्या पहला भी आपराधिक इतिहास है उसका? जी जी जी। कितना अपराध कर चुका है पहले? ये तीसरा अपराध है उसका, बहुत खतरनाक। पहले भी जेल जा चुका है? जी जी, लगभग 18 महीने जेल रह चुका। सर अमरपुर में एक मर्डर का मामला सामने आया है और दो व्यक्तियों में गंभीर मारपीट हुई है और चाकू लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई है। सर क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई है और जो आरोपी है उनको क्या अभी तक गिरफ्तार किया गया है? देखिए, थोड़ी देर पहले की घटना है। अमरपुर गांव में आरजू नाम का लड़का था, जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल के आसपास थी। मोटरसाइकिल से एक बच्चे के साथ जा रहा था, हाथ से पैदल जा रहे दूसरे कासिफ नाम का जो अपराधी है उससे टक्कर हो गई और इसी बात पर उत्तेजित होकर के सामने एक मीट की दुकान है, जिस दुकान से उसने चाकू उठा करके लगातार उस पर प्रहार किए, उससे मजरूह की मृत्यु हो गई है। और अभियुक्त के खिलाफ हम लोग लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। हमारी 3 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको अलग अलग स्थानों पर रवाना किया जा रहा है। सर क्या लगता है कि जो आरोपी हैं वह अभी भी फरार हैं? कोई परिजन को हिरासत में लिया गया है या कोई आरोपी की अभी तक कोई शनाख्त हो पाई है किसी प्रकार की? देखिए, आरोपी नामजद है और उसके घर पे तालाबंद है, घर वाले भी भाग गए हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। बिल्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, डायलिसिस डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी मामन रोड बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी वे बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर।